हम कहाँ है अभी? तुम्हारा घर कहाँ है अभी? यहाँ कहाँ? चंबा में। चंबा। तो हम है अभी चंबा में, और हम अभी कहाँ जाएंगे? हम अभी कहाँ जाएंगे? वो चंबा हिमाचल। वो चंबा हिमाचल। और फिर क्या करेंगे? अभी चाबियों वहाँ पर हम कुछ खरीदेंगे। हम कुछ खरीदेंगे और ये आवियों की चॉकलेट। अरे मेरे टकलू आवियों गोला दिख रहा है। ए, हम लोग को भी लो। सो वी आर इन चंबा। ये सो हम डलहौजी के बाद ही सीधे चंबा निकल गए थे, और उस वीडियो में मैंने आपको लास्ट में बताया डलहौजी वाले पार्ट में कि अब हम चंबा जा रहे हैं। तो चंबा में मेरी बिग सिस्टर रहती हैं, उससे मिलने हम गए थे। तो हम उसी के घर पे थे। हम नेक्स्ट डे भी घूमे एंड मैंने दोनों दिन को कंबाइन कर लिया है और मैंने एक वीडियो बनाया। तो ये जो रात का टाइम है ये उसी दिन का है जब हम डलहौजी से रात में यहाँ आए। मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है तो ईज़िली हम चंबा भी घूम ले रहे हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो चले पैदल पैदल चंबा। मैं मास्क लगा ली हूँ। चलो चलते रहो। भाग रही की भाग। बहुत खड़ी चढ़ाई है भाई। चलो 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 चलो, बहुत ऊंचा है भाई। चलो चलो ऊपर जाना है। अच्छा लग रहा है। अभी वापस आके चलो, पहले वापस उधर चल रहे उधर। तो हम पहुंच चुके हैं चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो ये मंदिर बहुत पुराना है और बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। अगर आप डे में यहाँ विजिट करते हैं तो ये मंदिर और भी ज़्यादा अच्छा दिखता है। मतलब बहुत ही बड़ा मंदिर है। हम सुबह नहीं आ पाते इसलिए हम रात में ही विज़िट कर लिए, और मैंने कुछ वीडियोस निकाले हैं जिससे आपको समझ में आए ये कितने बड़े एरिया को कवर कर रहा है और ये कितना बड़ा है। बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। अगर आप इसे डे में विज़िट करेंगे तो आप कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये है चंबा का मार्केट। मंदिर मेन मार्केट में ही है और यहाँ की दुकानें आप देख रहे होंगे कितनी छोटी छोटी है। इन छोटी दुकानों में हर चीज़ अवेलेबल है, लिटरली आपको सब कुछ मिल जाएगा। और हम यहाँ आए हैं फिलहाल केक लेने। कर ले रेखा, चल लगूंगी। कर दे रेखा, चल। हाँ चल। रो रही थी। आज क्या सुनाई अभी वहाँ पे? कैप लगा लेती मैं। देखिए राहुल, देख ना आप भी कितनी छोटी सी रो रही है इसमें, देख रहे हैं। आप का वीडियो शेयर कर दो वो जो। अच्छा हाँ, क्या कर रही है रेखा? पता मैं आप का वीडियो चालू की बनाने के लिए। कब आज? और पता क्या देखी प्रोग्राम में? प्रोग्राम वो बोल दी और जब क्लैप बजने लगा ना तब मैं बीच वाला दवाई, तब वो उतना ही सेव हुआ जो बोली वो सेव ही नहीं हुआ। दिखा वीडियो, दिखा तो देखो वीडियो कितना अच्छा आज बनाया है तुम्हारी मम्मा ने। चलो अरे तुम्हारा आज वीडियो है। तुम जो तुम जो गाना गा रही थी तुम लोग को नहीं होता क्या? प्रिपेयर सुनाओ, हमको भी सुना दो एक बार। ये फॉरेस्ट है स्टैंड अप के पास सुनाओ। हां सुनाओ ना, तुमने तो वहां पे सुनाई थी तुम। अरे बैठ के भी तो सुना सकते। हां बैठ बैठ ना, चलो बैठ के सुना दो। नमस्कार, मेरा नाम नायरा है और मैं आपको कविता सुनाऊंगी। ये भारत वर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। है या हिमालय खरा हुआ, चलते ही शरीर का अरा हुआ, गंगा की ये निर्मल थारा है, ये भारत वर्ष हमारा है। है हवा मनोहर डोल रही, मन में कोयल बोल रही, रहते सगन की थारा है, ये भारत वर्ष हमारा है। तन मन धन छिड़ाएंगे हम इसका, मान बढ़ाएंगे सबका, सौभाग्य सितारा है, ये भारत वर्ष हमारा है। धन्यवाद, जय हिंद। वेरी गुड। अब तुमको ना अब तुमको इतने कोई बात तो ये बीच में बोल क्या रहा है? मुझे स्टार्टिंग का समझ में आ रहा है। इसका जय हिंद देखो, बॉटल मिला है भैया, ये ठीक है। इसमें डबल दिख रहा है, ठीक है। इससे आ रही है यहां है ये वाला सब यहां पर रखना। मेरा अंदर ही भरे जा रहा है। दादी अम्मा
पनीर का टुकड़ा डालना कैसे अंदर सबसे मुश्किल है इसको खिलाना। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। ये टेप खुलेगा। वो हैप्पी बर्थडे का था रिंकी। हाँ? वो हैप्पी बर्थडे का था। यो बॉन इन। हाँ उसको कट नहीं होगा ना रिंकी। ये तो कौन सी एनिवर्सरी है ये? ये सेकंड है पर रात वाली एनिवर्सरी। सेकंड एनिवर्सरी। और तू ये रिंग के सामने से क्यों गई होगी? सामने से नहीं जाना चाहिए था ना। अभी खाओगे? नहीं पहले पहले प्रकाश लेंगे। ये क्या बेशर्मी थी। अच्छा रेखा केक। और अभी लगाएगी भी खिलाएगी भी नहीं अबे केक। आओ जीजू खाओ। अबे खाओ खाओ। थैंक यू एनिवर्सरी जीजू। थैंक यू। केक तो बड़ा अच्छा है। केक अच्छा है। बहुत अच्छा है। अभी चम्मच अपना ले। तुम भी चम्मच लेके खा लो। ये चम्मच ये लीजिए जीजू। हैप्पी एनिवर्सरी। ले तुम। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। अच्छा अभी बताओ किसकी एनिवर्सरी है? अभी आओ ना सेल्फी क्लिक करेंगे। बोलो तो हम कहाँ जा रहे हैं अभी? हम जा रहे हैं प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड घूमने? वो देखो चील घूम रही है ऊपर। हाँ चील घूम रही है। बाय गुड नाइट। हम जा रहे हैं प्लेग्राउंड पर हम जाएंगे रोवे गंडोला। गुरूरी भी बोलता है उसको। क्या बोलते हैं? गुरूरी। गुरूरी जो हिमाचली है। हाँ। हिमाचली में गुरूरी बोला जाता है उसको। गंडोला इज अ लोकल लैंग्वेज। तो हम गंडोला में घूमेंगे। गंडोला में। अरे अभी उसमें घूमेगी क्या? हाँ। मैं घुमाऊं? नहीं तुम अकेले घूमो। अकेले मजा अच्छा है। चलो हेलो करो। हेलो हेलो करो अभी। यार अभी तो आ ही नहीं पा रही है बेचारी। बेचारी आ रही है। हाँ, हेलो करो। हेलो अभी आ रही है तो तुम लोग सब कट जा रहे हो। हेलो हेलो करो। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं गंडोला में बैठने। कहाँ जा रहे हैं अभी? गंडोला। गंडोला अब वो मेहनत कर रहे हैं उधर। तू भी घुमा ले यहाँ से। अब हम चंबा के मेन मार्केट में हैं। जो मैंने आपको रात को दिखाया था वही ये डे टाइम में है। और हम ऐसे ही थोड़ी बहुत शॉपिंग करने आए क्योंकि यहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। जूतियाँ मिलती हैं, बहुत कुछ मिलता है। अब ये जो लाइन आप देख रहे हो मार्केट की, इसमें आप ऐसे इधर साइड सीधा चले जाओगे तो एक बहुत अच्छी कॉफ़ी शॉप आती है। अब ठंड हो रहा है ना ये जगह का नाम क्या है? चंबा। चंबा तो मेरे को ये चंबा ही है। चंबा क्रॉकरी हाउस।
अभी पे करेंगे तब देख लेंगे। तो ये है ग्रोवर शेक कॉर्नर जिसके बारे में आपको बता रही थी। यहाँ कॉफ़ी मिलती है एंड शेक मिलते हैं जो दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे अमाउंट में मिलते हैं। कॉफ़ी मिलती है सिर्फ आपको 30 रुपीज़ में एंड हॉट कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है यहाँ की, तो आप जब भी आएँ तो डेफिनेटली एक बार ट्राई करें। तो ये है चंबा का मार्केट और लेफ्ट साइड में है चौगान। तो चौगान से लग के बहुत लंबा एक फूड स्टॉल लगता है यहाँ पे। सो खाने की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और ख़रीदने की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। चंबा का मार्केट बहुत बड़ा है, छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ जिसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो यहाँ दो चीज़ मुझे बहुत पसंद है, एक तो चंबा का प्रिंट, वो जिस भी चीज़ पे होता है मुझे वो बहुत पसंद है। नेक्स्ट यहाँ की जूतियाँ यहीं ये बनाते हैं और उसकी डिज़ाइन एंड स्टफ बहुत अच्छा होता है। मैं जब भी आती हूँ मैं लेके जाती हूँ फॉर श्योर। सो इस बार भी मैं इस पर्टिकुलर शॉप पे गई थी और यहाँ जो वाइट वाली जूती दिख रही ना, मैंने ये बाय करना था। इसको जब मैं खरीदने गई तो प्रॉब्लम बस ये हुई कि सामने जो है ये दबता बहुत है, इसको आप पहनते रहोगे तो ढीली हो जाएगी, बट मुझसे बियर नहीं होता उतना, मैं अनकंफर्टेबल हो रही थी और मैंने नहीं लिया। बट ये 500 की थी और बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ आपको, वुलन के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। ठंडा जगह है तो बहुत ज़्यादा आप जो नेट पे देखते हो शायद वो चीज़ भी यहाँ मिल जाएगी। हर थोड़ी दूर में आपको जूतियों के स्टॉल, खाने पीने के स्टॉल, वुलन कपड़ों के स्टॉल, हर चीज़ दिखाई देगी। सो आप जब भी यहाँ आते हैं तो मार्केट ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा, आपको बहुत कुछ रीजनेबल रेट पे मिलेगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। टिल देन बाय।